रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मोदी की तस्वीरों का दुरुपयोग कर 1 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तथा उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रतीक चिन्हों लोगो का दुरुपयोग करके 1500 से अधिक बेरोजगारों को करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी सुधांशु शुक्ला को लखनऊ में यहां की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया गया। रोहनिया थाने के उप निरीक्षक जनार्दन यादव के नेतृत्व में गठित एक पुलिस दल ने एसटीएफ की मदद से अभियुक्त को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त मूल से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी बाबागंज का निवासी है तथा दिल्ली के सेक्टर 16, नोएडा सेक्टर 3 सहित कई स्थानों पर अपना अस्थायी ठिकाना बनाया हुआ था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से मोदी की तस्वीरें, उनके भाषणों की वीडियो तथा उनके महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया योजना सहित अन्य योजनाओं के प्रतीक लोगो चिन्हों का दुरुपयोग कर रहा था। इसी के माध्यम से वे बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाता था। अपने को आला अधिकारियों का करीबी होने का दावा करके विभिन्न सरकारी सेवाओं की एजेंसियां दिलाने का प्रलोभन देकर ठगी का धंधा कर रहा था।